नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रिंस वस्ती फोटोग्राफी में। और आज एक नए सब्जेक्ट पर मैं बात करने वाला हूँ कि जैसे कि आप लोग फोटोग्राफर्स हैं, आउटडोर और इंडोर कई ऐसी सी लोकेशंस पर शूट करते हैं जहाँ पर बड़ी सी दिक्कतें आती हैं। होता क्या है कि आपका जो कलर्स हैं वो आपको एक्चुअल नहीं मिल पाते या वाइट बैलेंस आप प्रॉपरली सेट नहीं कर पाते, तो उसे एडिटिंग टेबल पर आप किस तरीके से दुरुस्त कर सकते हैं या किस तरीके से सही कर सकते हैं, मैं आज उसके बारे में बात करूँगा। तो किसी भी पोर्ट्रेट में जो स्किन टोन्स होती है बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, रोल अदा करती है। तो कोशिश करें कि अच्छी से अच्छी स्किन टोन जो एक्चुअल में है उसे हम किस तरीके से पा सकते हैं अगर वो खो चुकी है या शूट के दौरान वो गायब हो चुकी है। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये किस तरीके से किया जा सकता है। तो बिना किसी देरी के मैं शुरुआत कर दे रहा हूँ यहाँ पर। ये फोटोशॉप ओपन है, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक इमेज यहाँ पर निकाल के रखी हुई है। तो अब हमें इनका जो फेस का कलर या स्किन का कलर जो है, स्किन टोन्स जो है वो दुरुस्त करनी है। तो करना क्या है, सबसे पहला जो स्टार्टिंग फेस है तो आपने जो स्किन टोन्स के कलर पेटल्स होते हैं उनके बारे में जाना होगा, सुना भी होगा, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के साथ आते हैं और इवन आपके फोटोशॉप के लिए बहुत ज़रूरी है या किसी भी फोटोग्राफी के लिए ज़रूरी है कि एक कलर पेटल आपके पास हो। तो अगर नहीं है तो आप किसी भी वेबसाइट से उसे डाउनलोड मार सकते हैं। मैंने एक कलर पेटल यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है तो इसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। ये देखिए एक कलर पेटल है आपका स्किन टोन का, ये कलर नहीं बोलेंगे इसको, स्किन टोन पेटल बोल देंगे हम। तो हमने ये यहाँ पर एक इस तरीके से क्लिक करके ले आए हैं। अब करना क्या है कि ये जो कलर पेटल है इसमें देख रहे होंगे कई सारी डिजिट्स और नंबर्स लिखे हुए हैं। ये नंबर जो आपका एडोब फोटोशॉप है उसका जो RGB कलरिंग का जो मॉड्यूल है, जो बेस है, उसके अकॉर्डिंग ये कलर पेटल, ये नंबर जो है हर एक अपना एक इसका एक RGB का टोन सेट का कलर्स का सेट है। तो आप देखें तो मैं अब यहाँ पर इसे शुरुआत करूँगा किस तरीके से आप स्किन टोन प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे चार कॉलम्स हैं, एक डार्कर है, फिर उससे भी थोड़ा लाइटर, फिर लाइटर एंड बहुत ज़्यादा लाइट। तो करना क्या है, सबसे पहले आपको एक जो आपका कर्व्स एडजस्टमेंट लेयर है यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एडजस्टमेंट लेयर में जाएंगे, कर्व्स ओपन करेंगे तो देखेंगे आपके सामने इस तरीके का डायलॉग बॉक्स खुल गया है कर्व्स का। अब यहाँ पर देखना है कि आपका कर्व्स में आपका जो मास्क एरिया है वो यहाँ पर सेलेक्ट है, तो आप कोशिश करें इसे यहाँ से सेलेक्ट, जो सेलेक्ट है इसे अनसेलेक्ट करके जो आपका कर्व है ये वाला डायलॉग बॉक्स यहाँ पर क्लिक करें। आप लेयर पैनल पर ध्यान दें, आपको मास्क क्लिक नहीं करना है, आपको कलर से सेलेक्ट करना है। और उसके बाद यहाँ पर देखें कि आपके तीन टूल बने हुए हैं कलर पिकिंग के। तो यहाँ पर सेकंड नंबर वाला है जो उस पर लिखा हुआ है सैम्पल इन इमेज टू सेट ग्रे पॉइंट, तो आप बीच वाला जो है इसे डबल क्लिक करें, यहाँ से सेलेक्ट कर लें और मिड वाला पॉइंट इसे डबल क्लिक जैसे ही करेंगे तो आपके सामने कलर पैनल इस तरीके से फुल किया जाएगा। अब आपको करना क्या कि आपको ये जो आपने कलर पैटर्न निकाला हुआ है या स्किन टोन का पैटर्न निकाला, यहाँ से हमें बीच वाला जो ऑप्शन है फर्स्ट से सेकंड नंबर वाला जहाँ पर डिजिट लिखनी है 218171 एंड 145, तो यहाँ का मैं एक कलर सैम्पल यहाँ से क्लिक करूँगा। तो देखेंगे जैसे सैम्पल आप लेते हैं तो यहाँ पर एक टोन आपका सेलेक्ट हो जाता है, जो टोन यहाँ पर है वो टोन यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगी और उसके बाद क्या करना है आपको हिट कर देना है। हिट करेंगे तो क्या होगा, सेव द न्यू टारगेट कलर्स एज डिफॉल्ट, तो मुझे डिफॉल्ट नहीं करना है, एज यूजुअल मैं ब्लैक या वाइट रखता हूँ तो मैं इसे डिफॉल्ट नहीं करूँगा, तो मैं नो पे क्लिक करूँगा। तो आपके सामने देखेंगे हमने जो एक कर्व का बेसिक था वो मैंने कम्प्लीट कर लिया। अब यहाँ पर आपका सेकेंड पॉइंट ही सेलेक्ट है, हमने यहाँ से कलर भी ले लिया है। अब करना क्या है, ये मिड टोन्स का सेलेक्शन था तो यहाँ जो फेस पर जो आपके मिड टोन्स हैं वहाँ पर हम इस कलर पिकिंग ब्रश टूल को वहाँ पर क्लिक करेंगे। तो जैसे कि ये अगर मिड टोन है या इस तरफ की मिड टोन आप देखें तो मैं यहाँ पर क्लिक करना चाहूँगा, मैं क्लिक करता हूँ तो देखेंगे आपके सामने एक सिंपल क्लिक से जो स्क्रीन का टोन था वो ग्रीन से अब जो पिक करा था कलर उससे मैच करता हुआ कलर आपको यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन फिर भी देखें तो कहीं कहीं आपको बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड दिखेगा, तो उसको सही करने के लिए क्या करना है, आपको दोबारा यहाँ पर दोबारा से आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन, फिर डबल वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे। अब क्या करना है कि आपने ये वाला कलर तो पिक किया था जो वो है ही है यहाँ पे, उसके बाद क्या करना है, जो ऊपर हाइलाइट्स हैं नीचे शेडोज़ हैं, तो शेडोज़ आपको दुरुस्त करनी है तो शेडोज़ पे हम क्लिक करेंगे और क्या करेंगे इसे हम ब्राइटर या लाइट करते चले जाएंगे। तो मैं थोड़ा सा इसे ब्राइट कर लूँगा, थोड़ा सा डार्क करूँगा, मैं सैचुरेशन हटानी है मुझे, तो
मैं थोड़ी सी लाइट कर दूंगा। तो अभी देखें तो मैंने ये कुछ कर लिया, ये फिर से आपको सेव करने के लिए ऑप्शन बोलेगा कि एज अ डिफ़ॉल्ट मैं सेव कर दूं, लेकिन आपको नो करना है अगर आप चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर नो कर रहा हूँ, तो देखें कि आपके सामने जो कलर टोन थी वो कुछ ऐसे से ऐसी हो चुकी है। मैं इस वाली लेयर को जो कलर पेटल है, टोन पेटल है, मैं इसे हाइड कर दे रहा हूँ। तो अगर आप सिंपली देखें कि क्या टोन थी और आपने सिंगल क्लिक से क्या बनाया हुआ है, तो आपके सामने पहले जो इस तरीके की टोन थी आपने उसको कन्वर्ट कुछ इस तरीके से कर लिया है। तो बहुत प्रिटी ऑसम रिजल्ट आपके सामने है कि एक सिंगल क्लिक से आप किसी भी पोर्ट्रेट की स्किन टोन प्राप्त कर सकते हैं एक सिंपल क्लिक से। और दूसरी बात यह रही कि आप जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, आप यहां से मान लीजिए, मैं दोबारा से आपको बता दूं कि आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो ये पैनल मैं खोल लेता हूं दोबारा से। और क्या करना है आपको, डबल क्लिक यहां पे करना है। तो दोबारा से हम ये कलर पिक कर लेते हैं और इसे एस पे क्लिक कर देंगे, तो दोबारा से ये कलर वही वाला ले लेगा। और उसके बाद क्या करना है, हम ओके कर लेंगे। तो आप जितनी बार सेटिस्फाइड नहीं होते हैं उतनी बार आप मिड टोन्स पे क्लिक करते जाएँ, आपको अलग अलग टोन्स मिलती जाएंगी। जब आपको लगे कि आपको सही टोन मिल गई है तो आप अपने आप वहीं पर उस चीज़ को छोड़ दें कि आपको लगे कि हाँ मुझे अब एक्चुअल टोन मिल गई है, तो आपको वहाँ पर ड्रॉप कर देना चाहिए कि हाँ अब ये टोन हमें मिल चुकी है, तो हम इसे यहीं पर रोक देंगे। तो इस तरीके से आप जितनी बार चाहें उतनी बार कलर चेंज भी कर सकते हैं और किसी भी टोन में आप तब्दील कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। तो मैं दिखा रहा हूँ कि आपको इस तरीके की टोन प्राप्त हो जाती है। और बाद में आप अगर शेडोज और उनको चेंज करना चाहते हैं किसी भी डायरेक्शन में, तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से आपने क्लिक किया, उसके बाद आप सैचुरेशन पे आके उसे इंक्रीज या डिक्रीज यहाँ से आप ये उस बार को क्लिक करके आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्लिक किया आपने, हिट ओके, तो आपका चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप स्किन टोन प्राप्त कर सकते हैं। तो आई थिंक ये आपको जो ट्यूटोरियल है ओवरऑल आपको बहुत पसंद आया होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये ट्यूटोरियल आपको बहुत पसंद आया होगा और आप एक बार प्रैक्टिस करके देखें, आप करके देखें, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है इसे करने में और आपकी जो बड़ी सी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी होगी। तो मैं इसी ट्यूटोरियल के साथ आपको धन्यवाद बोलूँगा, थैंक यू बोलूँगा कि आपने प्रिंसेस शिव फोटोग्राफी को लाइक करा है, कमेंट करा, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करें। और देखते रहें, यूँ ही बने रहें मेरे साथ, प्रिंस अवस्थी के साथ, मैं आपका होस्ट और दोस्त। तो सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, कमेंट भी करें, और अगर आपको कुछ सुझाव है तो आप मुझे ज़रूर दें, मैं जिन पर वीडियो आपको बना सकूं, दे सकूं, आपकी समस्याओं का निदान कर सकूं। तो दोबारा मैं कहना चाहूँगा, वीडियो को आप पूरा देखें क्योंकि आप समझेंगे, जब पूरा देखेंगे अगर कोई पॉइंट मिस हो जाता है तो आपकी इमेज वो चीज़ें आपको नहीं दे पाएगी। तो प्रॉपरली वीडियो देखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।